क्या हाल है दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबको शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो बताता हूँ, एसर ने इंडिया में नाइट्रो सीरीज़ के दो वेरिएंट लॉन्च कर दिए हैं इंटेल 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ में। तो उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ में एसर की तरफ से ये पहले लैपटॉप हैं जो इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं। तो फिलहाल दो ही वेरिएंट लॉन्च हुए हैं, दो ही वेरिएंट अवेलेबल हैं फिलहाल अमेज़न पे। तो एक है i5 वाला, एक है i7 वाला। और इंडिया में यही टाइम है जब लैपटॉप्स लॉन्च होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि एक साथ सारे के सारे वेरिएंट, सारे के सारे लैपटॉप लॉन्च हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। पूरी साल धीरे धीरे लॉन्चिंग चलती रहती है। तो हम यहाँ पर इन लैपटॉप्स के प्राइस के बारे में बात करेंगे, इनकी मेन हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे, और मैं आपको ये बताऊंगा कि ये लैपटॉप अभी आपको बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो वीडियो शुरू करा जाए उससे पहले हो जाए हमारा इंट्रो। हाई, दिस इज अरुण एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल ड्रॉप्स। अगर आप नए हैं चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम पर मिलते रहें। मैं फ्यूचर में भी इसी तरह के टेक्निकल वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। लैपटॉप से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, आप जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कोशिश करूँगा मैं रिप्लाई करने की। तो सबसे पहले इन लैपटॉप की मेन हाईलाइट के बारे में जान लेते हैं कि क्या मेन हाईलाइट है। तो यहाँ पर ये जो लैपटॉप है ये 15.6 इंच एंड 17.3 इंच टू डिस्प्ले साइजेस में अवेलेबल होंगे आपके लिए बाय करने के लिए। इन लैपटॉप के जो हायर वेरिएंट होंगे, जो टॉप एंड वेरिएंट होंगे, उनके अंदर आपको QHD डिस्प्ले तक मिल जाएगा, 3 मिलीसेकंड रेस्पॉन्स टाइम वाला और 100% sRGB वाला। इसके अलावा इनके अंदर आपको Wi-Fi 6 मिल जाएगा, Thunderbolt 4 की सपोर्ट मिल जाएगी, Type-C मिल जाएगी, 4 एग्जॉस्ट वेंट इस लैपटॉप के अंदर आपको मिल जाएंगे और 4 जोन RGB कीबोर्ड मिल जाएगा। तो फिलहाल इंडिया में दो ही वेरिएंट स्पॉट हुए हैं। पहला वेरिएंट जो है वो i5 वाला है, 12500H प्रोसेसर है इसका, इसकी शुरुआत हो रही है 85,000 से। और दूसरा जो वेरिएंट है वो i7 वाला है, इसका जो वेरिएंट है वो है 12700H और ये जो इसका प्राइस है वो है 1,10,000 रुपये। तो i5 जो प्रोसेसर है उसके अंदर 4 परफॉर्मेंस कोर्स आपको मिलते हैं और 8 एफिशिएंट कोर्स मिलते हैं। 45 वॉट का ये प्रोसेसर है जिसकी TDP को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है 35 से लेकर के 95 वॉट तक, और 16 थ्रेड इसके अंदर आपको मिलते हैं। वहीं दूसरा जो प्रोसेसर है वो है i7, 6 परफॉर्मेंस कोर्स इसके अंदर आपको मिलते हैं, 8 एफिशिएंट कोर्स मिलते हैं, 45 वॉट इसकी जो TDP है और 35 से लेकर के 115 वॉट तक आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें आपको 20 थ्रेड मिलते हैं। i5 वाला जो लैपटॉप है वो RTX 3050 के साथ आता है और i7 वाला जो लैपटॉप है वो 3050 Ti के साथ में आता है, 4GB DDR6 VRAM के साथ। दोनों लैपटॉप्स में काफ़ी सारे फीचर्स सेम है, कुछ कुछ डिफरेंस है वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो फिलहाल ये बात करते हैं, क्या ये लैपटॉप आपको बाय करने चाहिए, क्या ये लैपटॉप वैल्यू फॉर मनी है। तो देखिए, जब भी कोई नया लैपटॉप मार्केट के अंदर लॉन्च होता है, नई सीरीज वाले लैपटॉप लॉन्च होते हैं, नए डेवलपमेंट के साथ में लॉन्च होते हैं, तो उनका प्राइस हमेशा ही ज़्यादा रहता है। किन लैपटॉप से ज़्यादा रहता है? इनके ही पहली सीरीज के लैपटॉप के साथ में, जो पिछले साल लॉन्च हुए थे उनके कंपैरिजन में काफ़ी महंगे रहते हैं, जो बिल्कुल लेटेस्ट लैपटॉप होते हैं, लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ होते हैं। तो कभी भी ऐसे लैपटॉप्स को खरीदना अकलमंदी नहीं रहती है। लेकिन अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है और आप लेटेस्ट चीज़ चाहते हो, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहते हो आपका लैपटॉप बिल्कुल लेटेस्ट नया हो, तब आप ये लैपटॉप बाय कर सकते हो। क्योंकि जिन लोगों को नया लेना है, जिन लोगों को बजट का इशू नहीं है, उनको तो फिर डेफिनेटली बाय करने ही चाहिए ये लैपटॉप। बाकी सारे बंदे जिन्हें बजट की प्रॉब्लम है या फिर वो अपने बजट में बेस्ट ऑफ द बेस्ट लैपटॉप चाहते हैं, तो उनको वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप्स के लिए जाना चाहिए। मतलब जो करंट सीरीज चल रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइट्रो 5 जो है वो 2022 वाले जो लैपटॉप्स हैं, तो वहाँ पर आपको 2022 वाले बाय ना करके आपको बाय करने चाहिए 2021 वाले, एक साल पुराने वाले। तो वो जो लैपटॉप हैं वो अपने काफ़ी अच्छे प्राइस पे आ चुके होते हैं और करीब 10,000 से लेकर के 15,000-20,000 रुपये तक का आपको यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिल जाता है, जो पिछले सीजन में लैपटॉप लॉन्च हुए होंगे। ये जो हाई प्राइस वाली सिचुएशन है, ये हर साल क्रिएट होती है, ऐसा नहीं है कि कोई इसी साल क्रिएट हो रही है। हर साल जब भी नए लैपटॉप लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ में लॉन्च होते हैं तो प्राइस इसी तरह से हाई रहता है, फिर साल बीतते बीतते धीरे धीरे 5-6 महीने, 7-8 महीने में आपको प्राइस में रिडक्शन देखने को मिलता है। तो अगर आप इनमें से किसी भी लैपटॉप में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको बेस्ट बाय लिंक मिल जाएंगे लैपटॉप्स के, ढूंढने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, जस्ट आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूंगा मैं आपका रिप्लाई करने की, क्योंकि काम ही मेरा ही है। तो मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट बढ़िया वीडियो में अच्छे अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।